वो बटेर है। बटेर 50 रुपए पीस है इसका। 50 रुपया? हाँ। सिर्फ 50 रुपया। मछली अंडा 5 रुपए पीस है। ये मछली का अंडा हुआ? हाँ, अंडा का बनाया हुआ। एक पीस 5 रुपया का। किस्म किस्म के ग्राहक आते रहते हैं ये। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी आपको कहाँ लेगा, ये रांची के मधुकम रोड नंबर 4 के पास है, जहाँ पे सस्ते दामों में चिकन, पोर्ट, कलेजी ये सभी खिलाया जाता है। काफ़ी फेमस है इस एरिया का। तो चलिए देखते हैं क्या सब होता है, क्या रेट होता है और कैसे बनाया जाता है, ये भी देखेंगे, उसके बाद टेस्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। वैसे आप अगर एक पीस का बात करें तो 2.5 से 3 रुपया में एक पीस यहाँ पर नॉनवेज यानी चिकन खा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए नॉन वेज का मेला लग चुका है और वैसे यहाँ पे काफ़ी सस्ते दाम में खिलाते हैं। जी सर। तो वो क्या है फर्स्ट? वो मुर्गा का पोट कलेजी है भैया। पोट और कलेजी दोनों साथ में मिलते हैं। अच्छा, इसका रेट क्या होता है? इसका 50 रुपया 100 ग्राम पोट कलेजी। अच्छा, पोट कलेजी का 50 रुपया 100 ग्राम। हाँ। और उसके बाद ये क्या आ गया? ये है मुर्गा का चिल्ली, छोटा छोटा कटिंग पीस। अच्छा, 30 रुपया 100 ग्राम। इसका रेट क्या होता है? 30 रुपया 100 ग्राम। 30 रुपया का 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम में कितना आ जाता है ये? वही 8 पीस आ जाता है। 8 पीस। अच्छा, उसके बाद ये आ गया इसके साथ में। ये 10 रुपये पीस है मुर्गा का चिकन। मुर्गा का ये गला है, गर्दन भी है, पीस भी है, धर भी है, गला। अच्छा, ये सारा मिक्स है। और उसके बाद ये आ गया आपका लेग पीस। ये लेग पीस है मुर्गा का भैया, 30 रुपये पीस है। 30 रुपये पीस, मतलब इतना सस्ता है? सस्ता ही हम लोग काफ़ी सस्ता में यहाँ पे खिला रहे। और इसके बाद ये मुर्गा का चर्बी। चर्बी? अच्छा, मुर्गा में चर्बी भी होता है? हाँ, चर्बी भी होता है। अच्छा, ये मुर्गा का चर्बी हो गया। ये वो बटेर है। बटेर 50 रुपये पीस है इसका। 50 रुपया? हाँ। सिर्फ 50 रुपया? ऐसे ठंडे में ये गर्मी फूक देता है क्या? हाँ, चर्बी ज़्यादा पसंद करते हैं आप। तो ये दोनों लोग यहाँ पे ज़्यादा पसंद करते हैं। और इधर आ गया ये मुर्गा का टांग है, 5 रुपये पीस है। छोटा वाला 10 का 4 है। ये 5 रुपये है। हाँ। अच्छा, उसके बाद ये छोटा वाला? ये छोटा वाला है 10 का 4। 10 का 4, मतलब 2.5 रुपया में यहाँ पे मुर्गा लोग खा सकते हैं। 10 का 3 है मुड़ी। अच्छा, मुड़ी 10 का 3। जी सर। अच्छा, ये सब लाते कहाँ से हैं आप? ये सब लाते हैं सब डेली मार्केट हुआ, माला टोली हुआ। हाँ। और इसमें क्या है? देसी मुर्गा। अच्छा, देसी मुर्गा भी रखते हैं? देसी मुर्गा। 25 रुपये पीस है। 25 रुपये पीस में देसी मुर्गा यहाँ मिल जा रहा है। ये सभी कितना देर में आपका खत्म हो जाता है? ये हम 10 बजे तक रात तक लगाते हैं, 4 बजे तक खोलते हैं। हाँ, 10 बजे रात। अच्छा, बत्तख का 17 रुपये पीस। अच्छा, बत्तख का अंडा ये है? यहाँ बत्तख का अंडा भी मिल जाता है? वाह, मतलब नॉन वेज का चिकन में और अंडा में जो भी है सारा आइटम मिल जा रहा है क्या? मछली 20 रुपये पीस है। अच्छा, मछली 20 रुपये पीस है। मछली अंडा 5 रुपये पीस है। ये मछली का अंडा हुआ? अंडा का बनाया हुआ। एक पीस 5 रुपया का। किस्म किस्म के ग्राहक आते रहते हैं ये। और हर चीज चाहिए। खसी के पैर नहीं बना रहे। अच्छा, ये क्या है इसमें? वो है ग्रेवी। अच्छा, ग्रेवी। इसी ग्रेवी से पूरा में समझिए। अच्छा, सब फ्राई होता है? फ्राई हो गए, गरम। अगर कोई चाहे कि हमको ये लेग पीस भी लेना है, ये पोर्ट कलेजी भी है, तो सब मिक्स करके फ्राई करके देते हैं। अच्छा, आप दोनों मिल के यहाँ पे रहते हैं? हाँ। तो कब से कब तक आप खोलते हैं यहाँ पे? ये 4 बजे खोलते हैं। हाँ, 4 बजे से रात 10 से 10:30 बजे तक। 4 बजे से 10:30 बजे तक खिलाते रहते हैं? 10:30 बजे बढ़ाते हैं, मन कर देते हैं। हाँ। तो यहाँ का प्रॉपर एड्रेस क्या होगा अगर कोई आना चाहते हैं? एड्रेस यही है, कुमार टोली चुन्ना भट्टा, न्यू मधुकम रोड, रोड नंबर 4 और 3 के बीच में। अच्छा, इसको स्टार्ट कब किए थे आप लोग? ये हम स्टार्ट किए आपको 1983 में। इस सारा यही आइटम खिलाते आ रहे हैं? हाँ। अच्छा, उस समय कितना से स्टार्ट किए थे? उस टाइम से तो सिर्फ अंडा से स्टार्ट किए थे। हाँ। इसके बाद थोड़ा थोड़ा वो सब रखने लगे। हाँ। है ना, और जैसे जैसे बिकते गया। हाँ। उसे बढ़ाते गए आइटम। अंडा उस टाइम 15 पैसा 30 बेचते। चिकन का क्या रेट होगा? चिकन वो जो अभी 10 रुपया है ना। हाँ। वो 1 रुपये पीस बेचते थे, ये वाला 1 रुपया पीस। हाँ। तो चलिए यहाँ पे जो अपना आइटम लगवाते हैं वैसे ये घर से तैयार करके आते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग से फ्राई भी करते हैं। गरम भी करते हैं। घर से बना के लाते हैं, तैयारी करके गरम करके देते हैं। तो चलिए ये बनना स्टार्ट हो गया फ्राई पिन में। ये तेल डाल दिए, उसके बाद क्या जाएगा? उसके बाद जाएगा कच्चा प्याज। कच्चा प्याज जी सर। अच्छा, ये गया कच्चा प्याज। फिर जाएगा कच्चा मिर्ची। कच्चा मिर्च। अच्छा, पूरा झालदार होता है? हाँ, थोड़ा सा।
थोड़ा सा इसको भूनना है पहले। लाल हो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं दूर करना है, हल्का भून लेते हैं भैया। अच्छा, इसको तोल के आप यूज डालते हैं, तोलने पे डालते हैं। ये 100 ग्राम आ जाएगा कितना का? 30 रुपये का। 30 रुपये का। कांटा और गुद्दा दोनों मिले, 100 ग्राम में इतना आता है देखिए। अच्छा, इसमें कांटा भी होता है या नहीं होता है? कांटा मतलब दोनों रहता है, दोनों रहता है। अच्छा, चिली है। तो ये चला गया फ्राई पैन में। सही जोड़ आपका। ये है मसाला, जीरा बोलिए, धनिया मिर्चा चाची। अच्छा, ये काला नमक, ये आ गया काला नमक। इसमें टोटल कितने पीस आ गया? 30 रुपये का। इसके हिसाब कभी छोटा भी काटा रहता है, कभी बड़ा भी कट जाता है, लेकिन 100 ग्राम होता है 30 रुपये का। आठ से दस पीस है, यानी 3 से 4 रुपया पड़ता है प्रति पीस का क्या? अच्छा, आप ये पत्ता ही यूज करते हैं? जी सर, ये दोनों ही यूज करते हैं, दोनों और पत्ते बस। निकाले वो हो गया, बस निकाल लीजिए। तो चलिए ये हो गया रेडी। ये हो गया भैया 30 रुपया का। 30 रुपया का। इसके बाद अगर लेग पीस खाना है तो उसको भी फ्राई करते हैं। तो चलिए अब एक लेग पीस बनवाते हैं। जी सर। तो और लेग पीस भी आपका सिर्फ 30 रुपया का है? जी सर, 30 रुपये। और जैसे ही आप यहाँ पे अभी लगाए, इधर आपका ग्राहक भी आने लगे हैं क्या? कैसा होता है यहाँ का? बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी बनता है सर। अच्छा, कब से आते हैं आप लोग? हम लोग तो जब से 10-15 साल से लगा रहे हैं, 10-15 साल से। बढ़िया होता है? बहुत बढ़िया सर। हाँ, बनवा रहे हैं, देख रहे हैं खा के। अच्छा, ये गया तड़ी, ये गया मसाला। मसाला, अच्छा, जो मसाला इसमें डाले वही मसाला सेम उसमें भी जाएगा? लटपट मसाला हम नहीं डालते हैं भैया। हाँ, तो मसाला डालते हैं क्या कि खाने में आदमी के स्वाद लगे। अच्छा, इसको तोड़ देते हैं पूरा क्या, अंदर तक मसाला घुसे? अंदर तक मसाला थोड़ा डाल देता हूँ, टेस्ट हो जाएगा। पहले बता रहे, सब कुछ बनाने में समय बोले, सुबह से हम लोग तैयार करते हैं घर में 9 बजे से। हाँ, 9 बजे से 12-1 बजे तक ये सभी बारी बारी से तैयार करते हैं, बना के रखते हैं। हाँ, मिलावट करते हैं आने वक्त। उसके बाद यहाँ पे लगाते कितने बजे? लगाते बजे 4 बजे। 4 बजे, उसके बाद 10 बजे तक में आपको ये सारा बेचना है। ग्राहक को देने में कितना टाइम लग जाता है? 5 मिनट में आपको दे देते हैं। गर्म करना है, फ्राई करना है, बस निकाल लीजिए। तो चलिए, वैसे आज मछली का अंडा भी ट्राई करते हैं। इनका पकौड़ा बना लिए, इसको गरम किया जा रहा है। 5 रुपया पीस, 2 पीस डालिए। ये तोड़ के भी बनाते हैं, समझे ना भैया? अच्छा, झोड़ में भी लोग खाते हैं? तो चलिए, ये देखिए यहाँ पे बनवा लिया, और सिर्फ 30 रुपया के इतना सारा यहाँ पे चिकन मिलता है, वो भी फ्राई करके। तो चलिए, इसको हम टेस्ट करते हैं। अब आप हाथ से भी खा सकते हैं, इसे भी खा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इनका पहले से पका हुआ रहता है, पूरा झालदार होता है। लोग यहाँ पे इसको चखना में भी यूज करते हैं, और जिनको खाने का मन है तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है, खा सकते हैं। मसाला का स्वाद भी स्पेशल है, क्योंकि फ्राई जो किया गया अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें जो चिकन है ये देखिए कितना बढ़िया से पक गया, आराम से ये टूट जा रहा है। अगर हाथ से इसको पकड़ते हैं तो हम तुरंत टूट जाते हैं, देख रहे हैं? तो इसको आराम से अगर खाते हैं, आराम से ये इसको खा लेते हैं, मुझे एकदम घुला हुआ है। तो चलिए, ये देखिए लेग पीस है, सिर्फ ये 30 रुपया का होता है एक पूरा के पूरा, देखिए पका हुआ है। तो ये देखिए मछली का अंडा है, इसको गर्म कर दिया गया तेल में, देख रहे हैं? तो इसको खाते हैं लेग पीस, देख रहे हैं? पूरे के पूरे 30 रुपया का ये।
सही है, सस्ता भी है और बढ़िया भी है। ये देखिए पूरा एकदम भरा हुआ है ये चिकन से, देख रहे हैं। यानी कि अगर सस्ता मिल रहा है तो ये कुछ भी खिला रहे हैं, ऐसा नहीं है, अच्छा से पका हुआ, देख रहे हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।